ईसा मसीह का खतना और नामकरण। यह एक पर्व के रूप में मनाया जाता था। यहूदियों की प्रथा के अनुसार बच्चे के पैदा होने के 8वें दिन उसका खतना और नामकरण किया जाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद 7 दिन तक स्त्री अशुद्ध मानी जाती है। मूसा के नियम के अनुसार हर बालक का खतना कराया जाता है, जो उनकी प्रथा थी, जिसमें ईश्वर और इब्राहिम और उसके पूर्वजों के बीच संधि की याद में किया जाता था। खतना यानी रक्त का बहना। सांकेतिक अर्थ यह भी दिखाता है कि ईसा सचमुच मनुष्य थे। पहली बार उनका खून मानव जाति के लिए बहा और उन्होंने मूसा द्वारा दिए गए नियमों को माना, क्योंकि उसने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया था, ताकि कोई उनके इंसान न होने का शक न करे। उन्होंने वास्तव में इंसान का रूप धारण किया। ईश्वर खुद इंसान बनकर दुनिया में आया। कहा जाता है कि उनका खतना एक गुफा में हुआ। एक इब्रानी स्त्री ने उस चमड़ी के हिस्से को अलाबास्तर के बने कीमती तेल के डिब्बे में संभाल कर रखा, जो बाद में एक पापिन स्त्री मरिया ने ईसा को मला था और अपने बालों से पोछा था। मरिया और योसेफ बालक ईसा को बैतलहम के मंदिर के सामने हाथों में पकड़े हुए हैं और एक पुरोहित छोटी सी छुरी लेकर उसका खतना करता है। ईसा का खतना एक पारदर्शी कपड़े के पीछे होता है। इसी दृश्य में कुछ और लोग भी हैं जो लाइन में अपने बच्चों का खतना कराने आए हैं। खतना करने के बाद ईसा का नामकरण हुआ, जैसा कि स्वर्गदूत ने जोसेफ और मरिया से पहले ही कह दिया था कि इस बालक का नाम ईसा रखना। इब्रानी में ईसा का अर्थ है मुक्ति या मुक्तिदाता। जब मूसा के नियम के अनुसार शुद्धिकरण के दिन पूरे नहीं होते, लड़के के जन्म के 14 दिन के बाद और लड़की के 8 दिन के बाद मां को मंदिर जाने की, किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने और यहां तक कि घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। इसके साथ ही परिवार के लोग भी अशुद्ध माने जाते थे जो उनके संपर्क में रहते थे। मरिया का शुद्धिकरण और ईसा का मंदिर में समर्पण। ईसा के जन्म के 40 दिन बाद जोसेफ और मरिया यीशु को मंदिर लाए। यहूदी परंपरा के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद उसकी माता का शुद्धिकरण किया जाता था। बालक के जन्म के 7 दिन के बाद 33 दिन और लड़की हो तो 66 दिन अशुद्ध रहती थी। इस अशुद्धिकरण काल को समाप्त करने के लिए 40वें दिन मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाई जाती थी। जानवरों की प्रथम संतान होने पर उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, किंतु इंसानों में पहला लड़का पैदा होने पर धन राशि दी जाती थी, ताकि बालक को मुक्त किया जा सके। नियम के अनुसार हर प्रथम बालक ईश्वर को समर्पित होता था, अतः उसका पवित्र होना अनिवार्य था, ताकि वो ईश्वर के काम आ सके। इस अशुद्धिकरण समारोह के बाद बालक को मंदिर में समर्पित कर औपचारिक रूप से उसे यहूदी समाज में स्वीकार किया जाता है।
उनके धर्म ग्रंथ तोरा के अनुसार प्रथम संतान की मुक्ति के लिए उसे मंदिर में समर्पित किया जाता है। बालक को मंदिर में समर्पित करने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मेमने का बलिदान और एक कपोत पाप के प्रायश्चित के लिए। अगर कोई परिवार अपनी गरीबी के कारण मेमना नहीं दे सकता था, उसकी जगह एक कपोत और चढ़ाने की अनुमति थी। जोसफ और मरिया मेमना नहीं चढ़ा सके, इसलिए उन्होंने दो कपोत अर्पित किए। जब जोसफ मरिया और यूसुफ को मंदिर में ला रहे थे, तब मंदिर के द्वार पर उनकी मुलाकात सिमियोन नामक एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। सिमियोन को लोग नबी भी मानते थे। उसके बारे में कहा गया है कि यरूशलेम में एक बहुत ही धार्मिक न्यायप्रिय इंसान रहता था और इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। ईश्वर का साया उस पर सदा बना रहता था। उसे पवित्र आत्मा ने दर्शन देकर कहा कि उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक वो मुक्तिदाता को अपनी आंखों से नहीं देख लेता। उस दिन वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर मंदिर आया था। जैसे ही उसने जोसफ, मरिया और यीशु को मंदिर में प्रवेश करते देखा, तो आत्मविभोर हो गया और यीशु को अपनी गोद में उठाकर ईश्वर का गुणगान करने लगा। हे प्रभु, तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये गैर यहूदियों के लिए प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल के लिए गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरिया को देखकर कहा, देखो, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार तुम्हारे हृदय को आर पार भेदेगी। इस दिन मोमबत्ती का विशेष महत्व है, क्योंकि ईश्वर की ज्योति अंधकार में प्रकट हुई थी। प्रभु यीशु के दर्शन के बाद सिमियोन खुशी से कह उठता है, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसने अपने लोगों की सुध ली है और उन्हें मुक्त किया है। उसने हमारे उत्थान के लिए अपने दास दाऊद के घराने से एक महान मुक्तिदाता को उत्पन्न किया है, जैसा कि उसने अपने पवित्र नबियों के मुख से भविष्यवाणियां की है। एक मुक्तिदाता जो पाप और शत्रुओं से हमें मुक्त करेगा। हमारे पूर्वजों के प्रति उसका प्रेम परिपूर्ण हुआ है और उसका पवित्र विधान का स्मरण हुआ है। नबिया अन्ना। सिमियोन की तरह ही एक और नबिया जिसका नाम था अन्ना, वह सेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वो बहुत ही बूढ़ी हो चली थी। वो अपने विवाह के केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो चुकी थी और अब वह 84 बरस की थी। वो मंदिर के बाहर कहीं आती जाती नहीं थी, बस उपवास और प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वो नबिया थी और भविष्य के बारे में बताती थी। वो यीशु को मुक्तिदाता के रूप में
पहचान लेती है। इस वक्त का उसे बरसों से इंतजार था, जब यूसुफ और मरिया बालक को लेकर प्रवेश ही कर रहे थे, उसी क्षण वो उनके सामने आ जाती है। बालक यीशु को अपनी गोद में लेकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगती है। वो बालक के विषय में सभी को बताने लगती है जो यरूशलेम की मुक्ति के इंतजार में थे। वो कहती है, ये बालक महान होगा, ये मसीह है जिसका सभी को इंतजार था, यह सभी को मुक्ति की राह दिखाएगा। यूसुफ को ये दोनों भविष्यवाणी समझ में नहीं आती है, फिर भी इस सभी बातों को ईश्वर की योजना मानकर मरिया और बालक यीशु की हर संभव सहायता करने की वो ठान लेता है। पूर्व देश के तीन राजा। कुछ दिनों पश्चात तीन राजा यीशु के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। कहा जाता है ये तीन राजा, जिन्हें तीन विद्वान या ज्योतिषी कहा जाता है, वे प्राचीन पर्शिया के पुरोहित जाति के थे। उन्हें नक्षत्रों का ज्ञान था, वे उनकी भाषा समझते थे। इनके नाम थे बलताजार, गास्पर और मेलियोर। इनके बारे में ये भी कहा गया है कि बलताजार अरबी देश से था, गास्पर भारत से और मेलियोर पर्शिया थे। उन्होंने आसमान में एक अनोखा तारा देखा जो इस बात का संकेत दे रहा था कि एक महान राजा का जन्म हुआ है, और वे उस राजा की तलाश में उस अद्भुत तारे के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। और यह वही तारा था जो चरवाहों को भी दिखाई दिया था। तीनों रेगिस्तान में एक जगह मिलते हैं और साथ चल पड़ते हैं। वे उस महान राजा को भेंट देने सोना, लुभान और गंधरस लेकर जाते हैं। सोना उनके राजा होने का संकेत देता है और लुभान उनकी दिव्यता और ईश्वर के पुत्र होने की निशानी है। गंधरस उनकी मृत्यु का संकेत है। ये तीनों राजा इस बात का भी संकेत देते हैं कि जब मसीहा का जन्म हुआ तब सारा विश्व उन्हें दंडवत करने आया। ये तीन राजा तारे का संकेत पाकर निकल पड़ते हैं। उन्हें बैतलहम में बालक यीशु तक पहुंचने में करीब 12 दिन लगते हैं। तब वे तीनों यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने राजा हेरोद का महल रात में जगमगाते देखा और वहां से नाचने गाने की आवाज सुनाई दी, और इस तरह वे महल के द्वार पर आते हैं और द्वारपाल से राजा हेरोद को अपने आने का संदेश पहुंचाते हैं। उस समय राजा की महफिल जगी थी, नर्तकियां नृत्य कर रही थी, राजा मदिरा का प्याला लेकर झूम रहा था। द्वार पाल प्रवेश कर उन्हें प्रणाम करता है और तीन राजाओं के आगमन का संदेश देता है। तीनों राजा जाकर हेरोद को दंडवत करते हैं। हेरोद नाच रुकवा देता है और तीनों को आसन देता है। हेरोद को अपने अंदर भय महसूस होता है। वो सोचने लगता है कि मेरे रहते ये कौन राजा पैदा हो गया। वह अपना डर छुपाते हुए कहता है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारा सौभाग्य है कि एक महान राजा हमारे राज्य में पैदा हुआ है। अभी बहुत रात हो चुकी है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए और सुबह निकल जाइए।
जब आपको पता लग जाए तो मुझे भी बताइए कि वो महान राजा कहाँ पैदा हुआ है, मैं भी उसका दर्शन करना चाहूँगा। वास्तव में हेरोद उसका दर्शन करने के लिए नहीं बल्कि उसका कत्ल करने की योजना बनाता है। इतना कहकर हेरोद उन्हें विश्राम गृह भेजने का कहता है। तीनों के जाने के बाद हेरोद गुस्से से उठकर वस्त्र फाड़ देता है और इधर से उधर चहलकदमी करता और बड़बड़ा जाता है, मेरे रहते ये कौन राजा पैदा हो गया, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई, मेरे अलावा यहां कोई और राजा नहीं हो सकता। राजा दरबार के सभी ज्योतिषी रोहितों और शास्त्रियों को आने का हुक्म देता है और उनसे कहता है, सारे धर्म ग्रंथ छान मारो और ढूंढो कि वो राजा कहां पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक महान राजा बैतलहम नगर में पैदा होगा। हेरोद गुस्से से पागल हो जाता है और उनसे कहता है, ढूंढकर बताओ वो कब और कहां पैदा हुआ है। सभी धर्म ग्रंथ के पन्ने छानने लगते हैं। उधर वे तीनों गौशाला पहुंचते हैं और बालक के दर्शन कर उन्हें अपनी भेंट चढ़ाते हैं। वे थोड़ी देर विश्राम कर और लौटकर हेरोद को इसकी सूचना देने की सोच ही रहे थे कि स्वर्गदूत उन्हें दर्शन देकर कहता है, आप हेरोद को यह खबर ना दें क्योंकि हेरोद इस बालक को कत्ल करने की योजना बना रहा है। आप किसी दूसरे मार्ग से अपने देश लौट जाइए। इस तरह वे चुपचाप बिना बताए ही वहां से लौट पड़ते हैं। जब हेरोद को पता चलता है कि वे तीनों राजा उसे धोखा देकर भाग निकले हैं तो वो और क्रुद्ध हो जाता है और अपने सेनापतियों को हुक्म देता है, तुरंत अपने सभी सिपाहियों के साथ जाओ और 2 वर्ष से छोटे जितने भी बालक हो उन सभी का कत्ल कर दो, एक भी छूटने ना पाए, देखता हूं कैसे बचता है, यहां मेरे अलावा और कोई राजा नहीं हो सकता। मरिया और जोसेफ का येसु को लेकर मिश्र देश भागना। 3 राजाओं के जाने और बालक के दर्शन कर उन्हें अमूल्य उपहार देने के बाद मरिया और जोसेफ बहुत खुश थे। उन्हें ईश्वर की योजना सच दिखाई दे रही थी और वे खुद को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि ईश्वर के पुत्र ने उन्हें इस महान कार्य के लिए चुना। मरिया और जोसेफ बालक के दोनों ओर बात करते करते सो जाते हैं। तभी स्वर्गदूत जोसेफ को नींद में दर्शन देकर कहता है, जोसेफ जोसेफ अभी उठो और मरिया और बालक यीशु को लेकर तुरंत मिश्र देश चले जाओ। राजा हेरोद बालक यीशु को मारने के लिए अपने सिपाही भेज चुका है। जब तक मैं ना कहूं तुम यीशु और मरिया के साथ मिश्र में ही रहना। जोसेफ मरिया को जगाकर उसे सारी बातें बताता है और तैयारी करने के लिए कहता है, फिर अपने गौशाले की मालकिन को उठाता है और अपने जाने की बात करता है। उसी गौशाले के पास एक और स्त्री अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी।
उसे उन पर दया आती है। वो अंधेरे में एक लालटेन लेकर उन्हें गुप्त रास्ते से मिस्र की ओर जाने वाले रास्ते की ओर ले जाती है। तभी घोड़ों के आने की आवाज आती है। वो स्त्री उन्हें पास ही एक गुफा में छिपा देती है। गुफा के अंदर जाने के बाद चमत्कारिक रूप से एक मकड़ी उस गुफा को छिपा देती है। यह देखकर वे सभी ईश्वर को प्रणाम करते हैं। घुड़सवार जब चले जाते हैं तो वह स्त्री कहती है, लगता है वे चले गए, चलो संकट टल गया। देखो मुख्य रास्ता पास ही है, अब मुझे वापस जाना होगा। मैं इस मासूम को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती। जाते जाते वो कहती है, और हां अपना ध्यान रखना, जब तुम्हारा यह बेटा राजा बन जाए तो उससे कहना कि हम गरीबों का विशेष ध्यान रखें। इतना कहकर वो गुफा से बाहर निकलती है। तभी घोड़ों की टापों की और घुड़सवारों की आवाज आती है। कोई कह रहा था, वो रही वो रही, और फिर एक चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर जोसफ और मरिया सहम जाते हैं। फिर किसी तरह छुपते छिपाते वहां से मिस्र की ओर चले जाते हैं। बालक यीशु, बालक पिता जोसफ अपनी माता मरियम के सुरक्षित और सकुशल हाथों में था। जग का पालनहारा अपने माता पिता की छत्र छाया में पल रहा था। मिस्र की 5 दिन की लंबी और त्रासदी भरी यात्रा खत्म कर वे मिस्र के एक छोटे से नगर में विदेशों की तरह अपना बसेरा करते हैं।